एवरीवन नमस्कार, मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो आम तौर पर शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, जो है विविध भारती और रेडियो सेलोन। तो आप सभी ने 93.5 रेड एफएम या फिर ऐसे बहुत सारे रेडियो स्टेशंस के नाम सुने होंगे, है ना। आज हम सुनते हैं ये सभी। ऐसे ही जो विविध भारती और रेडियो सेलोन है ना, ये दोनों भी रेडियो स्टेशंस के नाम है, ठीक है। और ये अपने समय के बहुत प्रसिद्ध रेडियो स्टेशंस हैं, ठीक है। दोनों ही रेडियो स्टेशन का प्रसार लंबे समय तक चला और अपनी विशिष्ट आवाज़ और विनोदीय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ये जाने जाते हैं। जो विविध भारती है और जो रेडियो सेलोन है, दोनों रेडियो स्टेशंस हैं और ये दोनों बहुत समय पहले से चलते आ रहे हैं और इन पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं, अच्छी अच्छे गाने बजाए जाते हैं, इन पर विनोदीय यानी हंसी मजाक की चीज़ें भी, कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। विविध भारती की बात करें तो विविध भारती भारत के प्रमुख रेडियो स्टेशन में से एक है, जो 1957 में शुरू हुआ, ठीक है, 1957 में ये शुरू हुआ था। इसमें हिंदी फिल्मों के गीत, रेडियो ड्रामा, कविता, लोकगीत, भजन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। अब विविध भारती के अंदर क्या क्या सुनाए जाते हैं, भजन, फिल्मों के गाने, ठीक है, रेडियो ड्रामा, कविताएं और अधिक ऐसे अनेक अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके अंदर शामिल होते हैं। इसका प्रसार भारत में सभी राज्यों में सुना जा सकता है, ठीक है। आप भारत के किसी भी कोने में हो, आप आज भी विविध भारती को, रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं। रेडियो सेलोन की बात करें उसके बाद, तो रेडियो सेलोन जो है श्रीलंका का एक प्रमुख रेडियो स्टेशन था, पहले ही श्रीलंका में था, जो 1930 में शामिल हुआ, ठीक है, 1930 में ये शामिल हुआ भारत के, शुरू हुआ था श्रीलंका के अंदर। यह भारत के अलावा बाकी देशों में भी सुना जा सकता था, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि, ठीक है। रेडियो सेलोन श्रीलंका का था, 1930 में शुरू हुआ था और इसको भारत के अलावा काफ़ी सारे आस पड़ोस के देशों में सुना जा सकता है। इसमें फिल्म संगीत, राष्ट्रीय संगीत, रेडियो ड्रामा, खेल कार्यक्रम और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते थे। जैसे आज भी मतलब हम अपने रेडियो पर सुनते हैं तो काफ़ी सारे जोक्स भी आते हैं, काफ़ी सारे गाने भी चलाए जाते हैं, भजन भी चलाए जाते हैं सुबह सुबह, या कोई समाचार होता है या कोई संदेश होता है तो वो भी रेडियो के द्वारा पहुँचाया जाता है। वैसे ही रेडियो सेलोन और जो विविध भारती है, उन पर भी ये सारी तमाम जानकारियाँ दी जाती थी। दोनों रेडियो स्टेशन अपनी विशिष्ट धुनों और कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं। ये स्टेशन एक ऐसी संस्था बन गए थे जो भारत की संस्कृति, लोक संगीत और फिल्म संगीत को बचाए रखने में जुटे रहते थे। यानी कि उस समय पर जब अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर होता था, उस समय पर ये रेडियो चैनल ऐसे थे जो हमारी संस्कृति की पहचान कराते थे। ये रेडियो स्टेशन ऐसे थे जिन पर हमारे लोक गीत बजाए जाते थे, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत की संस्कृति को बचाए रखने में, ठीक है। अब विविध भारती ने भारतीय फिल्म संगीत को प्रोत्साहित किया, और इससे पहले भारत में फिल्म संगीत का प्रसार अधिकतर प्राइवेट रेडियो स्टेशन द्वारा ही किया जाता था। अब जो विविध भारती है वो तो पब्लिक रेडियो स्टेशन है, लेकिन इससे पहले मतलब किसी भी ऐसे जो पब्लिक रेडियो स्टेशन था उस पर हिंदी फिल्मों के गीत नहीं बजाए जाते थे, लेकिन विविध भारती ने ये चीज़ शुरू की और भारतीय फिल्म संगीत को भी प्रोत्साहन दिया, ठीक है। इन्होंने प्राइवेट रेडियो स्टेशन के अलावा अपने रेडियो स्टेशंस पर भी हिंदी संगीत का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन विविध भारती ने फिल्म संगीत को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित करके इसे लोगों तक पहुंचाया और उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। अब एक बात बताओ, रेडियो स्टेशन पर आप कोई गाना सुनते हो तो आपके दिमाग में रहता है वो, आप और लोगों को भी सुनाते हो, तो इससे क्या होता है, गाने की प्रसिद्धि बढ़ती है ना। तो उस समय पर क्या हुआ था, उस समय पर जो विविध भारती था, विविध भारती ने फिल्म संगीत को अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर बजाया, अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर उसको प्रसारित किया, एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई बार यूज किया, जिससे कि लोगों तक वो पहुंचा और उन गानों की, हिंदी गानों की प्रसिद्धि बढ़ गई थी। इससे फिल्म संगीत उभरती फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण आय का साधन बन गया। यानी इससे जो हमारा फिल्म बिजनेस है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म उद्योग जो है, उसको भी एक आय का साधन मिला, उसको भी एक इनकम का सोर्स मिल गया था। इसके साथ ही विविध भारती और रेडियो सेलोन जैसे स्टेशंस ने भारतीय संस्कृति को प्रचारित करने का काम किया है। उनके कार्यक्रमों में भारतीय संगीत, लोक नृत्य, कविता, कहानी आदि सब शामिल होते थे, जिससे लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहते थे।
इससे भारतीय संस्कृति को भी लोकप्रियता पूरे विश्व स्तर पर मिली है। विविध भारती और रेडियो सिलोन दोनों ही लोकप्रिय स्टेशन हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति और संगीत को उच्च स्तर पर प्रसारित किया, यानी कि ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर जो है इन दोनों रेडियो चैनल्स ने भारतीय संस्कृति को उसको दर्शाया है, उसको प्रसारित किया है। ये स्टेशन भारत में वास्तविक लोकप्रियता अर्जित किए हुए हैं और उन्होंने लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया हुआ है। रेडियो सिलोन और जो हमारा दूसरा विविध भारती है, ये दोनों लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं और इन स्टेशंस का महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संस्कृति और संगीत को बचाने में रहा है। ठीक है, तो ये थी विविध भारती और रेडियो सिलोन की भूमिका, या इनका मतलब कैसे, कब शुरू हुए, क्या क्या इन पर प्रसारित किया जाता था, क्या इनका योगदान रहा भारतीय संस्कृति को लेकर के। तो वैसे तो ये शॉर्ट नोट में ही आते हैं, तो इतना कंटेंट आपके लिए इनफ रहेगा, इसको अच्छे से आप रिवाइज करके चले जाना। हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये देखने को मिले। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।